हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। वेनस रेमेडीज की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है, अनऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। क्वार्टर एंडेड, हाफ ईयर एंडेड का जो कि स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है। हम लोग कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जो दिया गया है इस बार का करोड़ में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम में इस बार का 178 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में, 110 करोड़ का लास्ट ईयर में, 170.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ। रीजन क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 167.4 करोड़ का, लास्ट ईयर में 167.7 करोड़ का डाउन देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग अगर देखा जाए तो 27 लाख का डाउन हुआ है। इसी वजह से गाइस कंपनी का ईयर ऑन ईयर के इनकम में जो है टोटल इनकम उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि अदर इनकम 10.5 करोड़ का था, लास्ट ईयर में 3 करोड़ का। बस ये इंक्रीज उसी कारण से कंपनी का इनकम टोटल इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंस 168.9 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 103.3 करोड़ का, लास्ट ईयर में 155.4 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है इनकम के अकॉर्डिंग। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है गाइस कंपनी का, यहाँ पे एबिटडा निकल के आया 16.4 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 12.8 करोड़ का, लास्ट ईयर में 20.8 करोड़ का एबिटडा है जो कि। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट है 9.07 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 6.85 करोड़ का, लास्ट ईयर में 14 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन है, क्योंकि एक्सपेंस कंपनी का बहुत ज़्यादा किया गया, इनकम उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ था। नेट प्रॉफिट 3.5 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 1.2 करोड़ का, लास्ट ईयर में 9.9 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें 2.63 रुपीज़ का, लास्ट क्वार्टर में 0.92 रुपीज़ का, लास्ट ईयर में 7.44 रुपीज़ का ईपीएस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। कंपनी का रिजल्ट गाइस कोई खास पेश नहीं हुआ है, एवरेज रिजल्ट देखने को, क्योंकि ईयर ऑन ईयर के प्रॉफिट में डाउन और इनकम उतना अच्छा इंक्रीज नहीं हुआ था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम प्रॉफिट इंक्रीज किया, इसलिए गाइस कंपनी का रिजल्ट एवरेज पेश किया। अगर शेयर की बात करें 347.9 रुपीज़ पर शेयर जो है सब क्लोज किया था, 1.25% का प्रॉफिट था। 5 डे में 5.5% का प्रॉफिट था, 1 मंथ में 3.2% का प्रॉफिट था। कंपनी का शेयर 25 अक्टूबर को एक सपोर्ट लिया था, लेकिन उसके बाद कंपनी के शेयर में वापस से थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश की। तो अब यहाँ देखना गाइस कि कल के दिन कैसा परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।